चैप्टर फिफ्थ है क्लास 11, सब्जेक्ट है अकाउंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है जर्नल। तो जर्नल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले यहीं से न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है अकाउंट्स में, तो हम लोग सबसे पहले जर्नल के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो जर्नल है जिसकी हिंदी होती है रोज नामचा, रोज नामचा। रोज नामचा व्यापारिक संस्था की ऐसी पुस्तक होती है, व्यवसायियों की एक ऐसी पुस्तक होती है, या व्यावसायिक प्रतिष्ठान की एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें व्यापार के प्रत्येक लेन देन के दोनों पक्ष, दो पक्ष माने डेबिट और क्रेडिट, ये दो पक्ष होते हैं अकाउंट में, इनका प्रारंभिक लेखा स्मरण पुस्तिका से, मेमोरेंडम जो बुक बनाते हैं उसकी सहायता से हम डेट वाइज और सीरियल वाइज माने तिथिवार और क्रमानुसार इसको निर्माण करते हैं, बनाते हैं। इसे कहते हैं रोज नामचा, रोज इसको डेली, डे बुक भी इसको कहेंगे। तो प्रतिदिन जो है हम अपने जो सभी लेन देन हुए हैं उनका प्रारंभिक लेखा हम करते हैं। प्राइमरी स्टेज, वो फर्स्ट स्टेज होता है अकाउंट्स का, मेन स्टेज वो यहीं शुरू होता है रोज नामचा से। अब जर्नल और प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें, ऐसे दो बातें आती हैं कि जर्नल क्या है और प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें, क्योंकि जर्नल के पहले प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें ये नहीं बनाती, ये बाद में। तो जर्नल से ही हम लोग अकाउंट का प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, लेकिन जर्नल मेमोरेंडम की बुक की सहायता से, जो स्मरण पुस्तिका होती है, जो स्मारक बही होती है मेमोरेंडम बुक, उसकी सहायता से हम लोग बनाते हैं। तो प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें, व्यापार में प्रतिदिन पर डे अनेक प्रकार के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लेन देन होते हैं, सौदे होते हैं, उन सभी लेन देनों को याद रखना किसी व्यापारी के लिए संभव नहीं होता। इसलिए वह जब भी कोई लेन देन करता है तो उस लेन देन को संबंधित पुस्तक में लिख लेता है, उस लेन देन को हूबहू लिख लिया। इस प्रकार व्यापारिक व्यवहारों में सबसे पहले हिसाब किताब की जिन पुस्तकों में लिखा जाता है उसे ही प्रारंभिक पुस्तक कहते हैं। लेन देन को सबसे पहले जिस पुस्तक में लिखा जाएगा उसे ही हम प्रारंभिक पुस्तक कहेंगे। अब प्रारंभिक पुस्तक के प्रकार देख लीजिए, कौन कौन सी पुस्तकें हो सकती हैं प्रारंभिक पुस्तक में। तो काइंड्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फर्स्ट है स्मरण बही मेमोरेंडम बुक, उसके बाद है सहायक बही सब्सिडरी बुक। तो सहायक बहियों में कई पुस्तकें हम लोग तैयार करते हैं, कई बुक्स बनाते हैं। तो सबसे पहले है स्मरण बही मेमोरेंडम बुक। तो मेमोरेंडम बुक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है मेमोरेंडम बुक, स्मरण बही। अब देखिए, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, स्मरण बही, याददाश्त बही, स्मारक बही। तो व्यापारी अपने फर्म में, अपने इंस्टीट्यूट में, अपने व्यवसाय में, इंडस्ट्री में ऐसे अनेक प्रकार से ट्रांजेक्शन करती है, लेन देन करती है, और अनेक प्रकार के साथ साथ
अनेक तरह के भी होते हैं, उधार भी, नकद भी, बाई चेक, बाई ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंजो, लोग क्रेडिट नोट्स वगैरह होते हैं उनके बेस पे ऐसे अनेक प्रकार के सौदे किए जाते हैं। और उन सभी प्रकार के सौदों को याद रखना एक व्यापारी के लिए बहुत ही कठिन काम है, असंभव है, इम्पॉसिबल। तो इसलिए सभी व्यापारी जो भी लेन देन होते हैं, जिस प्रकार के भी लेन देन हो, उन सबको हूबहू अपने एक रफ बुक में सीरियल वाइज और डेट वाइज लिख लें। ऐसी ही बुक में जिसमें हम लिखे हैं उसी बुक को हम कहेंगे स्मरण बही, मेमोरेंडम बुक। बहुत से छोटे दुकानदार ऐसे होते हैं जो कुछ पन्ने इकट्ठा करके अपने दुकान पे रस्सी से टांगे रहते हैं, उसमें एक पेंसिल भी लगी रहती है। जैसे ही कोई लेन देन होता है उसे तुरंत याददाश्त के रूप में लेन देन के क्रमानुसार लिख लिया जाता है, और बाद में उन्हें प्रतिदिन सायं को प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में उतार दिया जाता है। इससे लेखा पुस्तकों के गंदा होने का, काट छांट करने का, ओवर राइटिंग होने का भय नहीं रहता है। जो कुछ रहे वो स्मरण बही में ही अपना वो सही कर लेते हैं। इस बही का रखना अनिवार्य नहीं होता, व्यापारी केवल सुविधा के लिए इस बही को अपने पास रखते हैं कि लेन देन बहुत अधिक हो रहा है, लेन देन भूले न, उसका एक हिसाब रहे। तो इस बही को अधिकांश बड़े व्यापारी द्वारा ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उन्हीं के यहाँ लेन देन अधिक होता है, तो उसको याद रखना कठिन है, असंभव है। इसलिए बड़े व्यापारी ही अपना मेमोरेंडम बुक रखते हैं। मेमोरेंडम बुक को कच्चा रोजनामचा, रफ बुक या कच्ची बही भी कहते हैं। अब स्मरण बही के एक फॉर्मेट है या नमूना है, कैसे हम बनाएंगे फॉर्मेट नमूना बताएं ना। स्मरण बही केवल याददाश्त के लिए हिसाब किताबों को हम लिखते हैं, रखते हैं, सौदों को लिखते हैं। तो जैसे है कि मान लीजिए जनवरी 1 को, 1 जनवरी 2020 को मान लीजिए 5 ट्रांजैक्शंस हुए हैं, 5 लेन देन, 5 सौदे हुए हैं। पहला है नकद माल खरीदा, गुड्स परचेज विथ कैश, मतलब ये सौदा हुआ है, ये ट्रांजैक्शन हुआ है, ये खरीदा गया है, तो इसको लिख लीजिए। फिर है मजदूरी दी, वेजेस पेड ₹200, राम को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू राम ₹500, सोहन से मिले, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन ₹300। नेक्स्ट एंड लास्ट है किराया दिया, रेंट पेड ₹700। इस प्रकार के जो लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, सौदे होते हैं, उन सौदों को हूबहू तुरंत एक कच्ची बही में, रफ पुस्तक में याददाश्त के लिए, यादगार के लिए, वह सौदा वह लेन देन भूले न, इसके लिए हम तुरंत लिख लेते हैं। उसी लिखने को ही प्रक्रिया को हम बोलेंगे स्मरण बही, उसी लिखने की पुस्तक को हम बोलेंगे स्मरण बही, मेमोरेंडम बुक। तो इस प्रकार हम लोग मेमोरेंडम बुक के बारे में। अब उसके बाद है ये स्मरण बही, उसके बाद सहायक बहियाँ हैं। तो सहायक बहियों के लिए एक चैप्टर भी है इसके बाद, उसमें हम लोग इसका डिटेल से स्टडी करेंगे। तो जो सब्सिडरी बुक है, सहायक बुक है, उसमें कैश बुक, रोकड़ बही, क्रय बही, परचेज बुक, विक्रय बही, सेल्स बुक, क्रय वापसी बही, परचेज रिटर्न बुक, विक्रय वापसी बही, सेल्स रिटर्न बुक, प्राप्य बिल बही, बिल्स रिसेबल बुक, देय बिल बही, बिल्स पेबल बुक,
और लास्ट में है मुख्य जर्नल, मेन जर्नल। इतनी भैया हम सब्सिडरी बुक में बनाते हैं। तो इसकी सहायता से अब इसे कैश बुक जो बनाएंगे, जितने कैश ट्रांजैक्शन होते हैं वही इसमें दिखाते हैं। परचेज बुक जिसमें क्रेडिट परचेज होते हैं, उसका ट्रांजैक्शन, उसका लेन देन, उसका लेखा हम परचेज बुक में लिखेंगे। नेक्स्ट है सेल्स बुक, विक्रय बही, इसमें केवल उधार विक्रय के लेखे लिखे जाते हैं। क्रेडिट सेल्स अगर हुआ है तो वो ट्रांजैक्शन हम इस बुक में लिखेंगे। नेक्स्ट है क्रय वापसी बही, कोई गुड्स परचेज किया गया है उसमें कोई डिफेक्ट है, इफेक्ट है, टूटा फूटा है, गड़बड़ है, शर्तों के अनुसार नहीं है, तो जो खरीदे हैं उसमें से जो वापस करेंगे उसके लिए जो हम ट्रांजैक्शन करेंगे वो परचेज बुक में करेंगे। उसी क्रम में विक्रय वापसी भाई सेल्स रिटर्न बुक, जो माल हम उधार बेचे हैं उसमें से, उस माल से अगर किसी कारण से कुछ वापस आता है तो उसका लेखा हम जिस बही में करेंगे उसे बोलेंगे विक्रय वापसी बही। प्राप्य बिल बही, तमाम ऐसे सौदे होते हैं जो उधार होते हैं लेकिन वो प्रमाण के रूप में होते हैं, लिखित होते हैं, तो सेलर और परचेजर टू साइड्स होते हैं, दो पक्षकार होते हैं, तो दोनों पक्षकार आपस में एक बिल लिखते हैं, तो जो सेलर है वो बिल लिखता है और जो परचेजर है वो बिल को एक्सेप्ट करता है, लेन देन पर सहमति व्यक्त करता है। तो जो प्रपत्र लिखे गए, बिल लिखे गए, वही बिल सेलर के लिए प्राप्य बिल और परचेजर के लिए देय बिल हो जाता है, बिल्स रिसेबल, बिल्स पेबल। नेक्स्ट है मुख्य जर्नल, मेन जर्नल, इसमें हम अपने प्राइमरी स्टेज के जो पहली सीढ़ी है अकाउंट्स की, जर्नल में लिखना लेन देन को, डेबिट क्रेडिट दोनों पक्षों में लिखना, उसे कहते हैं जर्नल। ये सब्सिडरी बुक है, इसकी एक अलग चैप्टर है नेक्स्ट, उस पर हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। आज स्मरण बही, मेमोरेंडम बुक, कल हम लोग जर्नल पढ़ेंगे। ओके।